हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की चैप्टर नंबर 5 की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की नोट्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी चीजें जो एनसीईआरटी बेस्ड चल रही हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी सीरीज आज तक चली हैं, चाहे वो क्विक रिवीजन सीरीज की बात हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हो या क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज हो, मैं सारे एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही सब मैंने बनाया है। क्योंकि आपको भी पता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किसी भी किताब की नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। मैं सब सोच कर देखो, कोई ऐसा एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पे मेडिकल का जिसमें 75 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आते हैं। मीन्स दो किताबें हैं मात्र 640 पेज और उसमें से 75 क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस किताब की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आज हम इसकी ही नोट्स देखने जा रहे हैं। आप जब लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने दे रखा है पीडीएफ फाइल का, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा चीज मैं बता दूं इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो जनरल टर्म्स के बारे में यहां दे रखा है। जनरल टर्म्स के बाद यहां पे मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस जो था, मींस ये सिंपल सा एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छा लाइन डायग्राम के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में इसमें लिख रखा है। क्योंकि एनसीईआरटी एक टफ लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी गई है, उसी चीज को यहां पर सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं। फिर जैसे ही आप अगले पेज पे आते हैं तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो कौन कौन से तीन स्टेप थे उसके बारे में है। इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में है। इसके बाद बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, मेंडल्स प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, मैंने इसका क्विक रिवीजन सीरीज भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगली पेज पे क्रॉस करा रखा है। फिर कोडोमिनेंस के बारे में, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी। इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मींस डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, उसके बाद ये क्रॉस आपको दिखा रखा है। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसके बाद म्यूटेशन, देन पेडिग्री एनालिसिस, और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में दे रखा है। जो भी एनसीईआरटी में जो पूछी जा सकती है एग्जाम में वो सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ है। जो भी टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको एक इजी वे में यहां पर आपको शो किया गया है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 का ये पीडीएफ नोट्स, नीचे लिंक में आप यहां से देख लें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भी चैप्टर हैं आने वाले, आपको पता होगा जब मैंने बनाया है ये क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज बनाया था तो उसमें चैप्टर 4 तक मैंने सारे का क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज बनाया था। इसके बाद टाइम की कमी होने के कारण मैंने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, जितने भी चैप्टर थे बचे हुए उसके, तो टोटल 12 चैप्टर बच चुके थे प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लेकर लास्ट का जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज तक। तो मैं उसके आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर एक बार स्पीड रीडिंग आप उसका कर सकते हैं। विद इन 20 मिनट्स के आसपास वो हो जाएगा। और आप क्विक रिवीजन सीरीज देखें, 38 पार्ट बन चुके हैं सारे का, आप एक बार फिर से रिवीजन करें तो जल्द से जल्द कम टाइम में वो रिवीजन आपका हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे वीडियोज को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में कंट्रीब्यूशन के ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।